हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 16, द प्रेसियस सोर्स वाटर। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम रीजंस फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। एंड द नेक्स्ट रीजन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। In India, or the distribution of water over the globe is quite uneven due to the number of factors. It means India or globe. Globe means on the whole earth. The distribution of water, it means water ka availability. Availability of water. Ki water jo hai wo hame unevenly मिलता है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कुछ जो प्लेसेस हैं वहाँ तो बहुत अच्छी बारिश होती है और पानी भी बहुत वाटर से बहुत रिच है, मीन्स वाटर भी बहुत अच्छा अच्छे से अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। और इसी तरीके से कई जगह पर डेजर्ट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पर भी हर जगह रेनफॉल जो है वो एक जैसा नहीं है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ रीजन्स में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। एक्सेसिव रेन्स कॉजेज फ्लड्स वेयर इज़ द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट्स। एक्सेसिव रेन्स यानी बहुत ज़्यादा रेन होने पर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जबकि बहुत कम रेन होने पर ड्रॉट अकाल या सूखा पड़ जाता है। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री में हैव फ्लड्स वाइल अदर में सफ़र फ्रॉम ड्रॉट्स एट द सेम टाइम। और यही रीज़न है कि हमारी कंट्री में कहीं एक ही समय पर कहीं तो बाढ़ की जैसी प्रॉब्लम आती है, फ्लड आता है, तो कहीं पर एकदम ड्रॉट हो जाता है या सूखा पड़ जाता है। सो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड हियर द एक्टिविटी 16.5 इन विच हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया फिगर 16.8 में इंडिया का एक रेनफॉल का मैप गिवन है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया में अनइवन रेनफॉल होता है। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। आपको बुक में ही अपना ये जो 16.8 जो दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, मैप दे रखा है इंडिया का जिसमें अनइवन रेनफॉल शो कर रखा है, उसमें आपको वो जगह लोकेट करनी है, पॉइंट आउट करनी है जहाँ पर आप रह रहे हो। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशियंट रेनफॉल। फिर आपको ये देखना है कि क्या आपके वहाँ पर सफिशियंट रेनफॉल होता है। Is there sufficient water available in your area throughout the year? फिर आपको ये भी देखना है कि क्या पूरे साल आपके यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall, yet there is shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of water resources? इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर कितना रेनफॉल है या फिर वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर है या नहीं। और अगर ऐसा है तो आप ये जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है वो किस वजह से है या वाटर रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट को आप कैसे शो कर पाते हो या कैसे आप पता कर पाते हो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ कैन वी वाटर मैनेज। हम किस तरीके से वाटर को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट।